दुर्गा पूजा को लेकर गोमिया व आईएल थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। बोकारो जिले के गोमिया व आईएल थाना परिसर में बीडीओ कपिल कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गोमिया थाना प्रभारी राजेश रंजन, तेनुघाट ओपी प्रभारी सुनील कुमार, आईईएल थाना प्रभारी अभिषेक महतो सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीडीओ कपिल कुमार ने दुर्गा पूजा समारोह मनाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में किसी भी प्रकार का तीव्र ध्वनि बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था पूजा समितियों के द्वारा करना अनिवार्य होगा। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी हाल में दुर्गा पूजा के मौके पर हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गा पूजा में भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। पूजा समिति को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि पूजा पंडाल में किसी भी प्रकार का हुड़दंग न हो एवं सरकार द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस के अनुसार पूजा होगी। मौके पर सदस्य सुरेंद्र राज, भाजपा ओबीसी मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष चितरंजन राव, मुखिया सपना कुमारी, ममता देवी, राजकुमार यादव आदि उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए बोकारो से संजय कुमार की रिपोर्ट। क्या निर्णय लिया गया सर, किस तरह गाइडलाइन का? सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका उनके बारे में सभी जनप्रतिनिधियों को, शांति समिति के सदस्यगण, पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष सचिव हैं उनको विस्तार से जानकारी दी गई है कि इन नियमों का पालन करना है। कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम है यदि उत्पन्न होती है तो तुरंत प्रशासन को खबर करें ताकि उसमें कार्रवाई की जा सके और शांतिपूर्वक उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा सके।